with me. I wanna hear you sing it, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Be kind. अक्सर सुना है हमने, लोगों को बोलते भी है, बट ऐसा होता नहीं है। लोग आते हैं धड़ाके से जज करके, दो रूट शब्द बोलकर निकल जाते हैं, बट जो इंसान ये सारी चीज़ें सुनता है, सहता है, उसके साथ क्या हो रहा है नहीं जानते हम। हो सकता है कि वो हंस रहा है, सक्सेसफुल है, उसे हम लोग बहुत आसानी से जज कर लेते हैं कि यार ये खुश है, इसके पास हर वो चीज़ है जो इसे चाहिए। बट रियलिटी कभी कभी ऐसी नहीं होती है, इसलिए नेवर जज एनीवन एंड बी काइंड। अगर ये दो चीज़ें हम लोगों ने सीख ली ना, बिलीव मी, हमारा मेंटल हेल्थ ना वैसे ही काफ़ी अच्छे से रहेगा। बट ऐसा होता नहीं है, लोग बहुत आसानी से किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं, और ऐसा करने में उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा करने में उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। बट जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजर रही है ना, उसे ही सिर्फ पता रहता है। और हर कोई मेंटली स्ट्रांग हो ज़रूरी नहीं है ना। आज की जो सुबह है, संडे की सुबह काफ़ी अच्छी होती, फ्रेश थे हम लोग, लंच वगैरह किए और एज़ यूजुअल टीवी स्टार्ट करने जा ही रही थी। डिसाइड ही हो रहा था कि आज मूवी देखेंगे, हमारा संडे मूवी टाइम होता है। मुझे मेरी फ्रेंड का एक व्हाट्सएप आया एंड मैंने वो देखा, जो कि बहुत शॉकिंग था। यस, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में था, एंड मैं बोली किसी ने तो मतलब अफवाह फैला दी लग रहा है इसमें भी। एंड इमीडिएटली हमारे हाथ में रिमोट था, क्योंकि हम लोग मूवी देखने की तैयारी कर रहे थे, तो इमीडिएटली मूवी चालू किया, टीवी चालू किया, एंड न्यूज़ में डेफिनेटली यही न्यूज़ आ रही थी। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, शॉकिंग था, बहुत क्यूरियोसिटी थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या है, क्या नहीं किया, मतलब बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। डेफिनेटली आपके साथ भी यही हुआ होगा। तो फिर पता चला कि खुद वो 6 महीने से डिप्रेशन में थे। वही मैं बोल रही हूँ ना, अगर किसी का हंसता हुआ चेहरा देखकर आप उसे जज कर रहे हैं, उसकी सक्सेस वाली लाइफ देखकर आप उसे जज कर रहे हैं, तो गलत है। कई बार क्या होता है पता है, हम लोगों को देखकर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, घूमते फिरते, खाते हैं, पीते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। आई नो लाइफ अच्छी है, पर इसके पीछे भी बहुत मेहनत है। इसलिए एक तरफा जज मत करिए, हर तरफ से जज किए करिए। हम लोग सेलिब्रिटीज़ के लिए भी बोलते हैं ना, यार ये कितने अच्छे होते हैं, इनके पास हर चीज़ होती है, जो चाहिए वो करते हैं, ये होता है वो होता है, बट रियलिटी नहीं जानते ना हम। तो नहीं, हमें जज किसी को नहीं करना, एंड बी काइंड। ये दो चीज़ इस व्लॉग में मैं बताऊँगी आपको। अग्री करते तो लाइक ज़रूर कर देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। आज का ये व्लॉग स्टार्ट करूँगी और इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये सारी चीज़ें डिप्रेस करती है, क्योंकि ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, और जब ऐसा कुछ हो जाता है तो मुझे अच्छा नहीं फील होता है। तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर और ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। बस मेरा एक आपके लिए छोटा सा मैसेज था, व्यू पॉइंट था, जो मैंने आपके साथ रखा। एंड अगर आप मुझे ट्रूली फॉलो करते हो तो इन दो चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूर, कि बी काइंड एंड नेवर जज एनीवन, ये दो चीज़ें सोचना ज़रूर। तो ये देखिए ऑमलेट यहाँ पर है, जो अनिका के लिए, बिना मिर्ची का। अच्छा, अम्मा को भी दिया? अच्छा, ऐसे दिया। और ये अम्मा को शायद अनिका ने कुछ तो बदमाशी की है टीका वगैरह लगा कर। Okay. ये कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं बना दिया आपने? अच्छा, और ये नया पिंक कलर का? ये मेरा नया बर्तन है। नाइस, वेरी नाइस। नए चम्मच कैसे काम कर रहे हैं? सब चम्मच। ओके, सो चाय बन चुकी है, ये बन चुका है, और राज भी तैयार है। तो ये कुछ बर्तन है जो अमेज़ॉन से राज ने मंगवाए थे। अगर आप चाहे तो मैं इनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे प्यारा कुकर मैं आपको दिखा दूँ, ये है हॉकिंस का स्टील का कुकर। हमारे घर में स्टील का कुकर नहीं था, तो राज ने ये स्टील का कुकर मंगवाया है, जो कि बहुत प्यारा है। ये है 3 लीटर का, और इसके अंदर ये भी मिला है, जो हम बर्तन लगाकर इसे कुक कर सकते हैं। अब हाँ, दिखा रही हूँ, आपका अंडा दिखेगा, ज़रूर दिखेगा।
सो यहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं। यस आई एम कमिंग। तो इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है बट क्वालिटी बहुत बढ़िया है और दिख बहुत ही प्यारा रहा है। तो चलिए किचन में बुलावा आया है। यस अरे हॉकिंस के कुकर तो हम बचपन से जानते हैं। सुंदर ये पंखा बहुत आवाज करता है हमारा। वेरी नाइस अम्मा देख रही है तो दे रहे हैं। स्पून भी मिलेगा तुम्हें। और ये अनिका ने लंच नहीं किया था तो ये हमने यहीं पर रखा था अनिका को दिखाने के लिए। ओके सो कुकर सच में एक बार वापस दिखाने लायक बनता है। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है ठीक है, हॉकिंस वालों ने भेजा नहीं है। जो चीज व्लॉग ही नहीं कर पाई क्योंकि पूरे टाइम टीवी पर जो चल रहा था उसे देख कर ना थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील हो रहा था और अच्छा भी फील नहीं हो रहा था। कितना भी करें हम इंसान हैं, फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों किया होगा, क्या हुआ होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। बट एक चीज़ ध्यान देनी है कि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे जितना भी हंसता मुस्कुराता इंसान हो उसके साथ काइंड रहना होना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने सोशल मीडिया पर टन्स ऑफ मैसेजेस देखे अबाउट मेंटल हेल्थ के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ें और सीखने को मिलती है। एंड गाइस सक्सेसफुल होने की ना अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है सबके पास, वो डेफिनेशन सही होनी चाहिए। कुछ लोग ना उसका बहुत गलत डेफिनेशन बना कर रखते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। सो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल सिर्फ पैसे से ही नहीं हुआ जाता है। अगर आपकी फैमिली खुश है, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, पैसे से या आपके पोस्ट से जो आप हो उसी के उससे अगर आप अपने आप को कैलकुलेट करते हो कि आप सक्सेसफुल हो तो ये गलत होगा। ठीक है, आपको थोड़ी सी डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी कि सक्सेसफुल की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर कोई मेरा ऐसा व्यूअर है जो इस समय कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है तो मे बी मेरे दो शब्द उस इंसान के लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, बाकी किसी को लगता है कि मैं ज्ञान बांट रही हूँ तो ठीक है, ज्ञान बांट रही हूँ, जो जिसे सोचना है सोचे, क्योंकि अगर सारा काम मैं ही करूँगी, आप सोच रहे हो उसका टेंशन मैं लूँगी, तो भाई मैं स्ट्रेस हो जाऊँगी। सब बेटर है, जो सोचना है सोचो। ओके बैठ ठीक करते हैं, सुबह हो चुकी है। सबसे पहले मैं आजकल बेड ही ठीक कर देती हूँ क्योंकि बेड ठीक होता है ना तो वैसे ही मूड और अच्छा हो जाता है और फिर वैसे ही अपने काम पर लग ही जाना है। गाजर का हलवा है? हाँ। कहाँ से? मेरे डिश से हमारा अंडा।
कितने दोनों ही एड़े हैं यहाँ पर। ये मेरी बेटी खिला रही है, मैं खा रहा हूँ। मतलब गरम गरम चम्मच उसने मुंह में डाल दिया आपके। नहीं बाबा। मॉर्निंग मैडनेस है ये। ना ना, आई डोंट लाइक दिस सब्जी। बचपन में हम लोग कितना ही गेम खेलते थे यार, जबरदस्ती का माँ बाप को बना बना कर देने का, वो ऐसी एक्टिंग करते थे खाने की। हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये हाथ में दोगी? हाथ चल गया। ओ किसका हाथ चला? ओके, नाश्ते में गर्मा गर्म बना रही हूँ उपमा। मुझे उपमा बहुत अच्छा लगता है नाश्ते में बनाना। और तड़के में जैसे आपने देखा, मैंने उड़द की दाल और चने की दाल डाली है, क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद देती है। तो बाकी प्याज, टमाटर, मिर्ची, कड़ी पत्ता ये सब। और ना मैं जब ये बन जाता है ना, ढोकला बोल रही हूँ, उपमा, उसके बाद एक इंग्रेडिएंट डालती हूँ जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। बिलीव मी, आप भी आपके उपमा में वो डालकर देखिएगा, आपके उपमा का स्वाद है ना और बढ़ जाएगा, और बच्चे मन से खाएंगे एंड दे विल आस्क फॉर मोर। तो ये देखिए, ये है घी, और उपमा बनने के बाद एक चम्मच ऊपर से घी ज़रूर डालिए, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो जाता है और बहुत ही मतलब एक अलग ही स्वाद आता है, जिससे ना ये और टेस्टी बनता है। ओरिजिनल है कॉन्फिडेंस, बाथिंग सोप ऑर्डर किया जा रहा है कॉन्फिडेंस। और मैंने अपने लिए अभी ऑर्डर किया है डव का, और राज अपने लिए कौन सा ऑर्डर कर रहे हो? मेरे लिए कुछ मंगवाया नहीं जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे लिए ऐड ही नहीं किया जा रहा है। आई एम नॉट, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे लिए सोप ही नहीं मंगवाया, चार चार मिल रहा है यार, बोर हो जाएंगे। हाँ चार वाले पापा मेरे लिए मंगवाना, बेबी सोप। कौन सा कंपनी का? बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, मेंस सोप लिखता हूँ, रुको। अच्छे अच्छे निविया का आता है ना? अरे मेरा कैमरा पार्क एवेन्यू, आप पार्क एवेन्यू का यूज करते हैं बेबी सोप। एक आधी चीजें तो खत्म हो रखी है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। 24 चीजें रखी है बास्केट में। आधी चीजें नहीं, 24 चीजें रखी है बास्केट में। और क्या है? वो भी नहीं है, पार्क एवेन्यू भी नहीं है। बाबा बेबी, बेबी साबुन महीना, एक साबुन के लिए देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। अरे बेबी मंगाया था, अभी कल ही तो मंगाया था। नहीं बाबा, मेरे को एक और कौन सा अच्छा होता है? मैं पहले यूज करती थी बचपन में, बट नाउ आई डोंट लाइक। ओरिजिनल है? ओरिजिनल तो बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि आपने पूरी बोतल नींबू से नहा लिए हो। मेरे लिए भी, फिर मेरे लिए भी मंगवाओ बेबी सो। तो सारे काम नहीं हुए हैं, सबके ब्रेकफास्ट ही हुए हैं। सुबह के 10:15 बज रहे, तो आराम से हो जाएंगे, दिन पड़ा है पूरा काम करने के लिए। और इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इस ज़िंदगी में सुकून से रहना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना होगा होगा, नहीं होगा छोड़ देंगे, मतलब हो जाएगा यार। ज़्यादा टेंशन लेने से भी कोई ऐसा नहीं कि कोई आकर कर देगा, नहीं ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कल रात में सोने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं जब सैड या अपसेट हम हो,
मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कोई बताता है कि सैड मत हो, अपसेट ना हो, बट अगर हम सैड हुए, अपसेट हुए, ह्यूमन है, सैड और अपसेट होंगे, उस समय हमें क्या सोचना चाहिए, क्या हमेशा याद रखना चाहिए जिससे हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी ठीक रहेगी, इस पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले पेन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग, ये हमेशा याद रखना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसी चीज़ को करते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम अभी नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर आप परेशान हुए, इट मीन्स कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? तो ये कभी मत भूलिएगा कि पेन इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। सेकेंड पॉइंट मैंने ये लिखा है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज़ टेम्प्रोरी, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सैड टाइम चल रहा है, सैड पीरियड चल रहा है, तो देखिए वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता, वो टेम्प्रेवरी रहता है। इनफैक्ट जो खुशियाँ रहती है वो भी टेम्प्रेवरी रहती है। तो जो भी चल रहा है लाइफ में वो टेम्प्रेवरी है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, वरी एंड कंप्लेनिंग चेंजेस नथिंग। जी हाँ, मैंने अभी क्या बोला, हम ज़्यादा टेंशन लेते ना यार, घर का काम करना है, घर का काम करना है। अगर मेरे टेंशन लेने से ये सारे घर के काम अपने आप हो जाए तो मैं रोज़ टेंशन लूँ। बट वरी एंड कंप्लेन भी काफ़ी रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें ना सच में आपको कभी कुछ नहीं देंगी, इसलिए वरी एंड कंप्लेनिंग इज़ नथिंग, चेंजेस नथिंग, ठीक है? एक और पॉइंट मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है कि योर स्कार्स आर सिम्बॉल्स ऑफ योर स्ट्रेंथ। अब देखिए, कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ में ये चीज़ है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, पर कभी आपने उसे एज अ स्ट्रेंथ देखा है? नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार। समझ लीजिए, एक लड़का है जिसके हाथ और पैर नहीं है, बट वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। तो उसकी जो हाथ पैर नहीं था, उसने मुंह से ब्रश पकड़ के पेंटिंग किया। ऐसे कितने सारे हम लोगों ने किस्से सुने हैं, देखे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ बनाई जो उनके अंदर नहीं थी, उस चीज़ को। इस बात पर गौर करिएगा, इस बात को लेकर कई लोग हमेशा परेशान होते हैं, बट गौर ज़रूर करिएगा। एवरी लिटिल स्ट्रगल इज अ स्टेप फॉरवर्ड। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम कोई रेसिपी बनाएं करियर के लिए, परिवार में। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको सक्सेस देती है, इसलिए उस स्ट्रगल को टेंशन में कन्वर्ट ना करें, उस स्ट्रगल को अपने लाइफ के ग्रो वाले पार्ट में रखें, ठीक है? इसका मतलब यही है कि आप आगे जा रहे हो लाइफ में, ठीक है? तो स्ट्रगल जब आप फेस करते हो, इट क्लियरली मीन्स कि दैट यू आर ग्रोइंग। अदर पीपल्स नेगेटिविटी इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, समझे? अगर आपको कंटिन्यूसली कुछ लोग नेगेटिवली पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। अगर मुझे बार बार कमेंट्स मिलते हैं कि मैं भद्दी दिखती हूँ, मेरे ब्लॉग्स बोरिंग है, या मैं अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं तो काम ही नहीं करती हूँ, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, ठीक है? सो इस नज़रिया से हर चीज़ को देखें कि अदर पीपल्स नेगेटिविटी इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। व्हाट मीन टू बी विल इवेंचुअली बी। आप जो भी सोचेंगे वो आपको मिलता है, ये कभी मत भूलिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मैं पर्सनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ। तो जो भी आप सोचते हो वो आप बनते हो। अगर आपने सोचा कि मैं नकारा हूँ, तो नकारा हो आप बन जाओगे। अगर आपने सोचा कि मैं एक सक्सेसफुल वूमन हूँ, मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, तो आप अच्छी औरत बन जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट, आप जो सोचोगे वही आप पाओगे। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कीप गोइंग। वो बोलते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। तो ये बेस्ट चीज़ होता है। देखिए, सुख और दुख आते रहते हैं, बेस्ट चीज़ है कि जो आ रहा है वो चला भी जाता है। सो जैसे चल रहा है चलने दीजिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो, कि जो चल रहा है चलने दीजिए। कई बार अपना खुद का भी बोलते हैं ना, चलती नहीं है लाइफ में, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर आपकी खुद की भी नहीं चलती है। सो बेटर है जो चल रहा है, जो हो रहा है चलने दीजिए। अभी जो सिचुएशन कोविड हम लोग फेस कर रहे हैं, इसे हम लोग बदल तो नहीं पा रहे हैं ना, तो जैसा चल रहा है चलने देते। अभी 20 मार्च से मैं घर पर बैठी हुई हूँ, आज क्या है 15 जून, तो डेफिनेटली मन तो बड़ा होता है बाहर जाऊँ घूमूँ फिरूँ,
और बाहर जाना का घूमने फिरने का मतलब भी मैं जानती हूँ। तो जो चल रहा है चलने दो यार। मुझे कितने लोगों ने बोला है कि तुमने कोरोना से कुछ ज़्यादा ही डर गई हो, तुम घर से बाहर भी नहीं निकल रही हो, बहुत कमेंट्स आए। और मुझे पता है कि कहाँ पर मैं सेफ हूँ, कहाँ पर मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है। मैं घर पर फील कर रही हूँ सिक्योर, तो व्हाई नॉट। तो ऐसी सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। ये सारे पॉइंट्स आप चाहिए तो लिख कर रखिए, आपके कहीं पर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आप एक बार दिन में इन सारी चीज़ों से गुजर सकते हैं पढ़कर। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अभी मैंने आपको बताया और कुछ देर बाद हम लोग किसी और काम में लग जाते हैं और ये चीज़ें धुंधले होने लगती है, पीछे पीछे जाने लगती है और फिर वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं रहती। मैं ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। यू जस्ट लाइक स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रखिए, दिन में एक बार इन सारी पॉइंट्स को पढ़िए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और मेंटल हेल्थ अगर किसी एक को हो रही है तो ऐसा नहीं कि उसी को है, सब लोग साथ में मेंटल हेल्थ पर काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं, जस्ट आज के दिन में ये दौर हो गया है कि मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही इसे एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि सबको लगता है कि यार अगर मैं बात करूंगी तो लोग मुझे पागल समझेंगे, मेंटल हेल्थ की ज़रूरत तो सिर्फ पागल को होती है। ये सारी चीज़ें जो हम इंडियंस के दिमाग में भर गई है, ये नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर आपको रोने का मन हो रहा है, रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। अगर आपको कुछ बोलने का मन हो रहा है, अपने परिवार से बोलिए, फ्रेंड से बोलिए, नहीं बोल पा रहे तो लिख लीजिए। लिखने से भी आपके बहुत सारे दुख दर्द कम होते हैं। अगर आप खुलकर किसी को नहीं बोल पा रहे हो, कई बार हम लोग बोलते कि बोलना आसान है बट इतना आसान नहीं होता, किसी को आप अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पा रहे तो लिख लीजिए उस प्रॉब्लम को। बिलीव मी, यू फील सो लाइट। उसी के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई आपको मिल नहीं रहा है बोलने के लिए, बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन है जो आप सबकी बातें सुनती है, तो हेल्पलाइन अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। इनकेस मुझे कुछ मिलती है तो मैं मेंशन कर दूंगी। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है, इनका हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छे सराउंडेड लोगों में रहिए। अगर पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छे सराउंडेड लोगों में नहीं रह पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें करने से, अच्छा गाना सुनने से, अच्छी मेडिटेशन करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। स्लोली 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 आपका माइंड ट्रैक पर आता है। ये एक दिन का एक्सरसाइज नहीं है, स्लोली स्लोली इट टेक्स टाइम। एक महीना भी लग सकता है, दो महीना भी लग सकता है, बट थिंक पॉजिटिव, थिंक हर जगह ये सोचिए कि कितना भी मेरे साथ बुरा हो जाए मैं अच्छा ही सोचूंगी। कभी मैं अपनी भी घर की चीज़ें बताऊंगी आपको, हो सकता है मेरी चीज़ें सुनकर आपको हेल्प हो, क्योंकि कई बार हम लोग हमारा सिर्फ अच्छा पार्ट दिखाते हैं, घर की चीज़ें नहीं दिखाते। एंड बिकॉज ऑफ डैट एवरी वन जज कि भाई इनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये लोग बहुत खुश है, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को फेस करता है, इसलिए जो दिखता है वो बिकता है, मानते हो ना? ये गलत है। आप सिर्फ दिखता है इसलिए उसे खरीद लेते हो तो गलत है, उसे समझिए, जानिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। बट अगर कोई स्माइली फेस भी आप देख रहे हो, स्माइली फेस पर्सन देख रहे हो, उसके साथ भी काइंड रहिए, ठीक है? ये मैं आपको चीज़ें बोलूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, ठीक है।